Are you preparing for IIT JEE or NEET? Then give a boost to your preparation by subscribing Shakunthas and download your study material from www.shakunthas.com. So, आज हमारे साथ है नरेंद्र. नरेंद्र, welcome to Shakunthas. Thank you so much, sir. कैसे हैं नरेंद्र? बहुत बहुत बढ़िया सर. और जस्ट लाइक ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में तो आप पूछो ही मत. चलो, थैंक यू सो मच. नरेंद्र, अभी आप करंटली क्या कर रहे हैं? सर करेंटली मतलब आई जस्ट कंप्लीटेड माय फोर्थ सेम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली. आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम देयर एंड जस्ट आई एम एंटर्ड इन थर्ड ईयर. सो नरेंद्र, डिफाइन करेंगे कि नरेंद्र कौन है, क्या कर रहे हैं अभी, और कोई भी आपसे पूछे कि आप नरेंद्र कौन है तो नरेंद्र को किस तरीके से पहचाना जा सकता है? बिल्कुल सर, अगर मैं मेरे बारे में बताऊं, मतलब ऐसे ज्यादा कुछ नहीं बट इतना जरूर बता सकता हूं कि लाइक बेसिकली राजस्थान के एक छोटे से विलेज लाइक झुंझुनू जैसे डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं एंड करेंटली एक लाइक अच्छे खासे कॉलेज से मैं पढ़ाई कर रहा हूं आईआईटी दिल्ली से. बस लाइक ऐसा ज्यादा कुछ आज तक का जो अचीवमेंट रहा ना वो आईआईटी से ही क्लियर करना रहा है. यार ये भी काफ़ी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि लाखों लोग प्रिपेयर करते हैं आई आई के लिए और उसमें से कुछ परसेंटेज को भी ये आई दिल्ली और जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज मिल पाते हैं. सो नरेंद्र, आज थोड़ी सी आज आपकी थोड़ी कॉलेज की लाइफ है, हॉस्टल की लाइफ है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि हम हर स्कॉलर से बात करते रहते हैं कि आपने प्रिपेयर कैसे किया, आपने फिजिक्स कैसे पढ़ी, मैथ्स कैसे पढ़ी. तो मैंने सोचा क्यों ना आई आई दिल्ली वाले से इस तरह की बात की जाए कि उसकी लाइफ कैसी होती है, आई आई दिल्ली में हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है. सो आज हम आपसे सारी खुफिया जो जानकारी हो लेने वाले हैं हॉस्टल की और कॉलेज की. सो बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि जैसे आप आई आई टी में आपका एडमिशन मिला तो एक आपने जब प्रिपेयर कर रहे थे जब आपके पास होगा कि यार मैंने एक्सपेक्टेशंस होंगी आपकी यार आई आई टी दिल्ली में जाना है, ये वो आई आई टी दिल्ली में होगा, हम आपको ये चीज मिलेगी. सो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड द रियलिटीज, आपको कैसा मतलब फील हुआ आई आई टी दिल्ली में जाने के लिए? सर मतलब अभी जस्ट मतलब मैं तकरीबन 9 से 10 महीने कॉलेज के अंदर रहा हूँ. मतलब 2019 का जो बैच है उसने एटलीस्ट 9 से 10 महीने कॉलेज में निकाले, बाकी तो किसी को जानने का मौका भी नहीं मिला. तो सर जस्ट लाइक बहुत सारे भ्रम पहले से दिमाग में डाल दिए जाते हैं, है ना, कि लाइक जब भी वो कोई भी इंसान मतलब हर एक 12th क्लास पास करने के बाद में हर एक लड़का लाइक जितने भी यूथ की जो लाइक एक्सपेक्टेशन होती है ना कॉलेज से, वो लाइक ऐसा होती है कि यार बस वो लाइक एक करण जौहर की मूवी के हीरो बनने वाले, एकदम स्टूडेंट ऑफ द ईयर सूट होने वाले वहाँ पे जाके, है ना. तो एक्सपेक्टेशन एकदम वैसे थी कि यार इतना तगड़ा एकदम बहुत कुछ लाइक पूरे दिन एकदम स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे, जिनको स्पोर्ट्स पसंद है, पर्सनली मेरे को स्पोर्ट्स पसंद है तो पूरे दिन वो खेलते रहेंगे, लाखों करोड़ का पैकेज मिल जाता है वहाँ पे. और एक जो कोचिंग से जो बात लाइक दिमाग में डाल जाती है कि एक बार आईआईटी क्लियर कर ली तो फिर तो ऐसे ऐसे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी, मन में आएगा तो पढ़ना नहीं तो मत पढ़ना, है ना. मतलब ये सारी नहीं है हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस टाइम पे कि लाइक आईआईटी में जाने के बाद में इतना सब कुछ, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है. वहाँ पे कोई करंट वाली मूवी नहीं, वहाँ पे भी तुम्हें इतना ही पढ़ना पड़ता है ना. बट वो एक ही लाइक वहाँ पे थोड़े ज्यादा अपने पास दोस्त होते हैं, है ना, एक सराउंडिंग अच्छी होती है तो लाइक थोड़ा लाइक चिल रहता है माहौल, है ना. और ऐसा नहीं है कि भाई लाखों करोड़ों के पैकेज प्लेसमेंट मिल जाते हैं, उसके लिए भी अपने को मेहनत करनी पड़ती है. पूरा 4 साल अपने को लाइक जो एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, सारे कोर्सेज निकालने पड़ते हैं, डिग्री कंप्लीट जितने भी रिक्वायरमेंट वो सारा पूरे करने के बाद ही अपने को एक अच्छा सा प्लेसमेंट मिलता है. उसके लिए भी अपने को पहले लाइक प्लेसमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो सारे चीजें करने के बाद में एक प्लेसमेंट मिलता है. ऐसा नहीं है कि मिल जाता है वहाँ पे, है ना. और ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे जाते कि एकदम बस इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, है ना. बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ते, मतलब बहुत सारे लोग जो पढ़ते हैं तो वो उनको पढ़ना ही पड़ता है, जो कोर्सेज उनको असाइंड है. ऐसा नहीं है कि वो उनको छोड़ सकते हैं, है ना. अपनी मर्जी से आप कोर्सेज चूज कर सकते हैं बट जो आई आई टी दिल्ली के थ्रू जो रिकमेंडेड कोर्सेज है वो आपको करने ही पड़ेंगे. और इवन सर मैं बताऊँ आई आई टी दिल्ली तो 3 एग्जाम्स के ऊपर है, जैसे माइनर 1, माइनर 2 और मेजर, जब हम ऑफलाइन सेमेस्टर जब हमारा था. बाकी कॉलेजेस में 2 एग्जाम होते हैं, मिड टर्म और एंड टर्म. तो जैसे मतलब तकरीबन अराउंड 20 जुलाई के अराउंड हमारा एडमिशन हुआ था, 20 जुलाई 2019, ठीक है. और हमारी एग्जाम स्टार्ट थी 24 अगस्त से या 28 अगस्त से, जस्ट एक महीने बाद एग्जाम हो जाती है. एक मतलब जाए इंसान जाके थोड़ा कॉलेज को पहचानता है, कोर्सेज देखता है, इतने टाइम में उसका एग्जाम हो जाता है. हर 1-1.5 महीने में एग्जाम हो जाता है, 4 महीने में तो आपका सेमेस्टर ओवर हो ही जाता है. तो हर 1 महीने में आपका एग्जाम होता है और हर वीक कोई ना कोई क्विजेज वगैरह होती रहती है. तो पढ़ने का मतलब पूरा बहुत एकदम तगड़ा कल्चर आई आई टी दिल्ली का है. सो नरेंद्र, आपने आपको आई आई टी मिली यार, आप पहले दिन अपने आई आई टी में गए, आपने काफी कुछ आपके मन में हो गया यार आई आई टी में जा रहे हैं.
फर्स्ट डे अगर मैं आपको बताऊं, अगर जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं था, बेसिकली एक नॉर्मल सा डे था। जैसे कि हम, मैं और मतलब मजमू, मैं मेरे अंकल के साथ गया था, हम 3 लोग गए थे आईटी दिल्ली। तो ओके मतलब वही फर्स्ट डे होता था, एक नई जगह पे होते हैं, तो लाइक काफी सारे चैलेंजेस अपने सामने आते हैं। बिल्कुल तो चैलेंजेस में ये था कि पहले तो यार हॉस्टल ढूंढना था। हॉस्टल पता नहीं, क्योंकि वो 350 एकड़ का कैंपस है, तो पता ही नहीं था कहाँ पे क्या है। तो बिल्कुल पहले हॉस्टल ढूंढना था, फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम करना है, फिर जैसे लाइक नॉर्मल काम किया, फिर रूम में पहुंचे। रूम में पहुंचे तो फिर लाइक आपको पता है, रूम को सेटल करना होता है, बाहर से गद्दे वगैरह लेके आने हैं। लाइक इन्हीं सारी चीजों में, इन्हीं कामों में पूरा दिन निकला था। और लाइक जो भी नए नए दोस्तों से मिलना होता है, अपने जो रूम पार्टनर है, और एक रूम में 3 लोग रहते हैं, तो लाइक उन सबसे मिलना था, है ना। बट सर अंदर से एक ये भी था, क्योंकि मैं उससे पहले कभी घर वालों से दूर रहा नहीं था, है ना। अंदर से अभी तक यार कैसे रह पाऊँ यार, यहाँ पे एकदम नई नई जगह मिल गई है, मतलब कैसे होगा बीटेक ये कंप्लीट, वो भी 4 साल रहना है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे घर से दूर जाने वाला एक फील भी अंदर था। आपका फर्स्ट मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आईआईटी दिल्ली का, या आईआईटी दिल्ली का मेरे पे फर्स्ट इंप्रेशन? दोनों मतलब सर आईआईटी दिल्ली का तो हमने जैसा सोचा था ना, क्योंकि उससे पहले तो अपन लाइक राजस्थान से हैं, है ना, तो उससे पहले तो कभी आईआईटी दिल्ली जाना हुआ था नहीं। बट सर जैसे ही गए ना, तो मतलब इतना बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा वहां पे नाम लिखा हुआ था ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, तो उसको देख के एकदम ऐसे गूज़बम्प्स आ रहे थे कि हाँ यार आज मिली है ये जगह जिसके लिए हम पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल जिसके लिए इतना सब कुछ किया है। फिर जाते, मतलब आपको पता है आईआईटी का कैंपस बहुत बहुत ज्यादा क्लीन होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा साफ कैंपस। तो अंदर जाते मतलब एकदम से आपको अच्छी अच्छी वाइब्स आती है। लाइक साइड में लिखा हुआ था एकदम हरी हरी ग्रास में कि आईआईटी दिल्ली, और एकदम बहुत बड़ा एक बायोटेक लोन होता है। उस टाइम पे तो मेरे को नाम नहीं पता था उसका, है ना, बट अब तो पता बायोटेक लोन है ना। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वहां पे, क्योंकि ऐसा तो अपने राजस्थान वाले एरिया में ज्यादा कुछ है नहीं इतना, है ना। तो लाइक बहुत मतलब बहुत तगड़ा इंप्रेशन रहा था। फिर जो हॉस्टल था, है ना, और भी लाइक अदर जो फैसिलिटीज थी, ग्राउंड्स मैंने देखे थे कि फुटबॉल का ग्राउंड था, हॉकी का ग्राउंड था, बास्केटबॉल का कोर्ट था, लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम विटनेस कर रहा था उस टाइम पे। आपका वहां पर पूरे दिन का शेड्यूल? हाँ सर बताओ। जैसे कि शेड्यूल थोड़ा रात से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मतलब जैसे आईटी में होता क्या कि टाइम पे तो कोई भी सो नहीं पाता। क्यों नहीं सो बताएंगे? पाता? क्योंकि आपको पता है कंबाइंड हॉस्टल में रहते हैं एक साथ, तो सारे बैच के स्टूडेंट कोई किसके रूम में जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। तो रात को होता क्या कि कोई मतलब लाइक सोने देता नहीं, किसी के रूम में म्यूजिक बज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी के रूम में आ गया, है ना। तो लाइक वो कोई मतलब मिनिमम मिनिमम हर इंसान 12 बजे के बाद ही सोता है, कोई 2 बजे होता है, कोई 3 बजे होता है। तो लाइक आईआईटी में आने के बाद जो सारे लड़के हैं ना, वो तो निशाचर हो जाते हैं, दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। निशाचर मतलब जो रात को घूमते हैं, रात को काम करते हैं, ठीक है। तो अब रात को सो पाते नहीं, अब सुबह होती क्लासेस 8 बजे से, ठीक है। अब क्लासेस का प्रेशर किया, भाई तुम्हें क्लासेस भी अटेंड करनी है सुबह 8 बजे, है ना। तो लाइक वो अपने आप में एक चैलेंज होता था यार, तुम्हें 8 बजे उठना है, प्लस ब्रेकफास्ट 7:30 बजे से स्टार्ट होता था, तो प्लस ब्रेकफास्ट भी तुम्हें करके जाना है। तो बेसिकली मतलब रात को लेट सोना, फिर सुबह जल्दी उठना, फिर क्लासेस के लिए भागा दौड़ी, उससे पहले ब्रेकफास्ट के लिए भागा दौड़ी, है ना। फिर वो उस भागा दौड़ी करके लाएंगे, फिर सर एक गैप होता है 12 से 2 का, कुछ बच्चों का 12 से 1 फ्री होता है, कुछ बच्चों का 1 से 2 फ्री होता है लंच के लिए। फिर लंच के लिए जैसा मेरा हॉस्टल अराउंड अराउंड 1 किलोमीटर दूर था, 1.25 किलोमीटर दूर था, तो 1 किलोमीटर हमें वापिस चल के आना पड़ता था खाना खाने। फिर कभी 2 बजे से क्लासेस होती थी, कभी 3 बजे, तो फिर वापस जाना पड़ता था। LHC होता है, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे सारे लेक्चर्स लगते हैं, तो वो हॉस्टल से तक अराउंड 1 किलोमीटर की दूरी होता है। फिर वही शाम को वापस आओ, 4 मतलब 5 बजे क्लासेस खत्म हो जाती है, ऑफिशियल शेड्यूल के अकॉर्डिंग 5 बजे क्लासेस खत्म हो जाती है। 5 बजे के बाद में कोई क्लासेस नहीं होती, कभी कभार कोई एक्स्ट्रा क्लास हो तो देखे जाता है, ठीक है। तो फिर लाइक 5 बजे आए वही, फिर शाम को लाइक चाय वगैरह पी, बाकी सारे लोगों का कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होता है तो वो अपने स्पोर्ट्स के लिए खेल जाता है। मिनिमम 2 घंटे आपको खेलना पड़ता है, NSO NSO आवर्स मिलते हैं उसके लिए, ठीक है। लाइक वो भी आपके डिग्री में क्रेडिट्स वगैरह काउंट करवाते हैं। वही उस चक्कर में 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, फिर लाइक रात को 9 बजे तक रहता है डिनर हमारे। फिर डिनर कंप्लीट किया और जस्ट लाइक वही, हाँ वही लाइफ निशाचर वाली, रात को 2 बजे तक। चलो, नहीं यार, कॉलेजेस में एक्चुअली ये होता है कि बच्चे हैं वो रात को एंजॉय करते हैं, दिन में अपने काम करते हैं, हाँ हाँ कॉलेज का हो गया। तो सर वही दिन में पूरी क्लासेस रहती हैं, तो टाइम मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। हॉस्टल लाइफ में आपने भी नाइट लाइफ एंजॉय नहीं करी है, या हॉस्टल लाइफ में निशाचर नहीं बने, तो आपने फिर क्या हॉस्टल लाइफ जी, क्या कॉलेज लाइफ जी? बिल्कुल। सही बात, सही बात है। बट सो नरेंद्र, सैटरडे संडे होता है हाँ हमारे पास, सैटरडे संडे तो होता है।
सो नरेंद्र, अभी मैथ्स के बारे में बात करेंगे यार। मीन्स आईआईटी का खाना भी थोड़ा सा फेमस है, कि आप यदि किसी आईआईटी के मैथ्स में जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक होटल वाली फीलिंग आती है। सो मैथ्स के बारे में थोड़ा बताओ। सर जैसे मैं बताऊँ कि जैसे जुलाई में हम गए थे ना, तो अपने राजस्थान में तो बस राजस्थानी खाना ज्यादा फेमस होता बिल्कुल है ना, खीर चूरमा टाइप, दाल चूरमा टाइप खाना ज्यादा फेमस होता है अपने यहाँ पे। बट आईआईटी में अपन जाते हैं तो अपने को हर वैरायटी का खाना मिलता है, क्योंकि आईआईटी में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे होते हैं, तो बिल्कुल हर प्रकार का खाना वहाँ पे अपने को खाने को मिलता है। साउथ इंडियन खाना है, नॉर्थ इंडियन, मतलब हर प्रकार का खाना अपने को वहाँ पे देखने को मिलता है। बट स्टार्टिंग के पहले महीने तो क्या होता है कि लाइक हर अलग अलग खाना होता है, तो अपने आप इंटरेस्ट आता है, स्टार्टिंग में वो भी होता है ना। और स्टार्टिंग में खाना बहुत बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पेरेंट्स वगैरह भी आते हैं, तो पेरेंट्स भी इंप्रेस होते हैं यार इतना अच्छा खाना मिलता है बच्चों को, है ना। बट वो फिर बाद में थोड़ा सा लाइक खाने की क्वालिटी कम हो जाती है ऐसा लगता है हमें, या तो लाइक वही एडेप्टेशन हो जाता है उस चीज का। तो अब एक रेगुलर रेगुलर वही मेन्यू रिपीट होता है, तो इंसान वैसे ही बोर हो जाता है कुछ टाइम बाद। बट अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो ओवरऑल खाना बहुत अच्छा होता है, प्लस फेस्टिवल्स पे सर अलग थीम होती है खाने बिल्कुल की, है ना। संडे को स्पेशल होता है, तो संडे तो लाइक पूरा खाने के निकल जाता है। और ब्रेकफास्ट का सर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेकफास्ट का कोई कंपटीशन नहीं है। ब्रेकफास्ट इतना अच्छा होता है, और ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा वैरायटीज होती है, इंसान मतलब हम वहां पे नहीं है क्या सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट करके खुश होते हैं। सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट हर चीज अवेलेबल होती है ब्रेकफास्ट में, जो भी अपन सोचते हैं। और प्लस फेस्टिवल्स पे तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इंडिपेंडेंस डे की अलग थीम होती है, सजाया जाता है ना, सेलिब्रेशन होते हैं, और फेस्टिवल बहुत बिल्कुल अच्छे से मनाए जाते हैं। बिल्कुल यार, बिल्कुल। तभी सभी बच्चे आईआईटी जाना पसंद करते हैं यार, क्योंकि हाँ ऑलराउंडर है, हार्दिक पंड्या कह सकते हैं आईआईटी को। सो ओके नरेंद्र, अब थोड़ा से रैपिड फायर क्वेश्चन आपके लिए। सर क्लास को कितनी बार बंक किया है, ऑनेस्टली बताना। मतलब क्लासेस को तो बहुत बार बंक किया है, 75% अटेंडेंस रखनी होती है हर, लगे मेरा जितना 70% जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी अटेंडेंस 74, 75, 78, 80 इतने रहती है। हम पूरा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि इस कोर्स में 42 लेक्चर होने हैं, है ना, और 25% लेक्चर हम बंक कर सकते हैं, है ना। यानी तकरीबन 11 लेक्चर हम बंक कर सकते हैं, 10 से 11 लेक्चर। तो 10 से 11 लेक्चर की लिस्ट थी भाई कि 10 11 लेक्चर तो हम बंक कर देंगे। जिस दिन 11 लेक्चर खत्म हो गए ना, उस दिन के बाद में रेगुलर क्लास, उस दिन के बाद में एक भी लेक्चर बंक नहीं। तो ऐसे हर कोर्स का हम बना के रखते थे कि इस कोर्स में कितनी क्लासेस बंक हो गई, और वो मूडल होता है जिसपे अटेंडेंस लगती है, तो मूडल की वेबसाइट पे जाके हम देख लेते थे कि कितनी अटेंडेंस हमारी हो चुकी है इस कोर्स में, तो उसको काउंट पूरा करके रखते थे, तो प्रॉपर बंक करते थे 25%। मैथमेटिक्स यूज किया जाता है मतलब। हाँ नरेंद्र, यदि आपको मैं बोलूं कि आप पूरे दिन हॉस्टल में रहो या फिर पूरे दिन कॉलेज में घूमो, कौन सा प्रेफर करोगे? हॉस्टल सर हॉस्टल में रहना, में रहना, पूरे दिन भी जो मजा हॉस्टल में हो, रहना, पूरे दिन भी जो मजा हॉस्टल में हॉस्टल रहना। हाँ हॉस्टल में रहना सर, वो बाहर कैंपस में था। ओके, कैंपस क्या में किसी को स्टॉक है? ना, वो ओके तो बोल गया। ओके, किसी भी अपने दोस्त को फेक आईडी बना के डिस्ट्रैक्ट किया है? नहीं सर मतलब अपन हम हमारे पास और बहुत सारे तरीके होते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के। मैंने फेक आईडी नहीं बनाया आपने? हाँ मतलब ज्यादा हम इंस्टाग्राम, मतलब मैं तो बहुत कम ही चलाता था इंस्टाग्राम वगैरह, लॉकडाउन में आने के बाद मैंने सही से चलाना स्टार्ट किया है। आईआईटी दिल्ली में तो मैं बहुत कम चलाता था इंस्टाग्राम। नहीं, फेसबुक पे क्या ना यार, वो प्रिया एंजल थोड़ी ज्यादा घूम रही होती है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों ने भी ट्राई किया। सही है, बट सर लाइक इंस्टाग्राम फेक आईडी नहीं बना, बाकी इंस्टाग्राम पे ट्राई पूरा किया है। चलो ट्राई करते रहो यार, आप लोगों के लिए काफी कंपटीशन है। पहले तो आप लोगों ने जेई के लिए कंप्लीट किया, अब आगे कंप्लीट करते रहो। चलो पर ठीक इस चीज में थोड़ा ज्यादा ही कंपटीशन है है, सर। बिल्कुल यार आईटीज में तो कंपटीशन है, और खासकर भी कुछ इन ब्रांचेस में सबसे ज्यादा। मैकेनिकल के में थोड़ा ज्यादा कंपटीशन रहता है, बट आजकल तो थोड़ा नॉर्मल हो गया है सर, आईआईटी में कोटा मिलता है 20%। रिजर्वेशन के बाद थोड़ा सा थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। चलो ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इस पर। ओके, सो ओके आपने थ्री ग्रेड्स वाला वो बाथरूम सीन तो देखा ही होगा, आल इज वेल वाला, वो रिक्रिएट किया है? सर बहुत सारी चीजें बाथरूम में रिक्रिएट होती है वहां पे, लाइक मतलब ऐसे हमारे अटैच लेट बात होते नहीं, तो वो क्या होता है सबका कंबाइंड ही वॉशरूम होता है, तो वो सबका कंबाइंड वॉशरूम होता है, तो लाइक ज्यादा टाइम मोस्टली हर बार कोई ना कोई मिल ही जाता है वहां पे, है ना। तो लाइक इतना नॉर्मल टीजिंग वगैरह होती रहती है कि लाइक बहुत सारे लोग जैसे स्पीकर लगा के नहाते हैं, है ना, तो उनका स्पीकर लेके भाग जाओ, उनका गाना चेंज कर दो, है ना, है ना। और लाइक जैसे सुबह सुबह क्या होता है कि जैसे ही कोई इंसान
अपने रूम से कपड़े लेने जाए, इतनी देर में उसका बाथरूम बुक कर दो, तुम चले जाओ, फिर वो बाहर से चिल्लाता रहता है। सो नरेंद्र, ये आपको मैं दो ऑप्शन दूंगी यार, स्टार्टअप करोगे या फिर प्लेसमेंट में जाओगे, कौन सा मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है स्टार्टअप। करोगे? स्टार्टअप क्यों, रीजन? रीजन बिंग सर, लाइक मैं स्टार्टिंग से ही, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, आपकी टेंथ क्लास मेरे खुद के दिमाग में कहीं ना कहीं मतलब हमेशा ये रहता है कि यार मेरे को बिजनेसमैन बनना है, खुद का कुछ बिजनेस करना है हमेशा से। सो लाइक सर इसीलिए लाइक अभी मैंने कैट के लिए प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट किया है कहीं ना कहीं। लाइक मेरे को लगता है कि यार अपन खुद का एक बिजनेस लाइक ज्यादा अपने को लाइफ में टाइम फ्रीडम दे सकता है, ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, जो कि एक जॉब अपने को नहीं दे सकती। और जॉब मेरे को पर्सनली सर मतलब लाइक ऑब्वियसली जॉब का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है अपने को लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। बट जॉब लाइक थोड़ा सा लाइक आपको सेम काम पूरी जिंदगी तक 60 साल तक यही काम करना रहेगा, एक एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं लाइफ से गायब हो जाता है। पर एक स्टार्टअप एक बिजनेस वो सारी चीजें आपको दे सकते हैं। आईटीज में यार, मतलब कि आईटी दिल्ली में मैंने पढ़ा था कल परसों की, सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप्स रन किए गए हैं वो सबसे ज्यादा आईटी दिल्ली वालों ने किए। बिल्कुल सर, आप ये बताओ मेरे को कि आईटी में जाने के बाद, आईटी दिल्ली के अंदर आप लोगों को कितना टाइम मिलता है ये चीज़ें एक्सप्लोर करने में? तो एक दिन में तो यार अपना स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर सकते आप। सही बात है सर। मतलब सर एक्सप्लोरिंग के लिए वैसे तो हर एक इंसान की फील्ड होती है, डिपेंड करता है एक्सप्लोर करने के लिए। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर में क्या होता है, जब सारी चीजें अननोन होती है ना, तो आईआईटी दिल्ली की तरफ से लाइक बहुत सारे जैसे बीएसडब्ल्यू हुआ, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं स्टार्टिंग में हर एक क्लब की, है ना, हर एक एक्सप्लोरिंग फील्ड जो भी होता है वहाँ पे, तो उन वर्कशॉप से इंसान को लाइक पता लगता है कि फील्ड कौन कौन सा एक्सप्लोर करने के लिए। और सर मेरा तो ये मानना है कि फर्स्ट ईयर में तो नहीं गया, इंसान को जितना मौका मिलना है एक्सप्लोर करने का वो करो, क्योंकि सर हाँ लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं क्या फर्स्ट ईयर में साइ और इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, तो जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। बट वीकडेज पे आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता, सैटरडे संडे आपके पास होते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग लाइक फर्स्ट ईयर का एक्सप्लोर तो वही कॉलेज के अंदर क्लब्स एंड ऑल यही सारी चीजें होती है। देन सर सेकेंड ईयर से वो थोड़े से लाइक एक्सप्लोर करने की फील्ड बदल जाते हैं, जैसे लोग सोचते हैं या उनको कोई ना कोई वर्क एक्सपीरियंस उनके पास आए, कोई ना कोई इंटर्न उनको मिले, अच्छा खासा प्रोजेक्ट उनको मिले, तो वहां से एक्सपीरियंस ले जो कि लाइक उनके एक्सपोजर में काउंट हो पाए ना, जो कि मतलब वो मैक्सिमम टाइम उनको सेमेस्टर ब्रेक में मिल पाता है। सो नरेंद्र, आईआईटी दिल्ली को यार सबसे स्पेशल क्या बनाता है? सर कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, उसको स्पेशल उसके स्टूडेंट्स ही बनाते हैं। और ये बात फैक्ट है कि मतलब आईआईटी का अगर नाम है तो वो उसके स्टूडेंट्स के वजह से ही है। नरेंद्र तो सर सर, लाइक हाँ बराबर। मतलब लाइक बेसिकली जितने ज्यादा जितने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, उस कॉलेज की डिमांड, उस कॉलेज की रैंकिंग उसी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती है। सो नरेंद्र, आपके पास जो आपकी ब्रांच है वो कौन सी है? सर मेरा डिपार्टमेंट है बायोकेमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। शायद आपको एक बहुत अच्छी ब्रांच मिल सकती थी किसी दूसरी आईआईटी में। आपने आईआईटी दिल्ली कौन चूज किया? मतलब सर बेसिकली मेरे पर्सनल रीजंस भी बहुत सारे थे। पर्सनल रीजन मतलब ऐसा कि अपने राजस्थान वालों के दिमाग में ज्यादा ही होता है कि लाइक एक मेरे घर के पास भी है आईआईटी दिल्ली, ज्यादा कुछ ट्रेवलिंग का टाइम भी नहीं लगता है ना, मतलब फिजिबल रहता है आना जाना घर पे भी। दूसरा सर लाइक मेरे को पहले से ये सारी चीजें पता थी, मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे जो लाइक आईआईटी में है, मेरे ताऊ जी का लड़का जो मेरा भाई है बड़ा भाई, है ना, वो भी पहले से आईआईटी में, तो लाइक उससे भी मेरी बातचीत होती रहती थी। तो लाइक मेरे को ये सारी चीजें पता थी कि आईआईटी आपको हर एक फील्ड को एक्सप्लोर करने का मौका देती है। आईआईटी में ऐसा नहीं होता कि आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हो तो आप अदर डिपार्टमेंट्स के प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, मतलब हर प्रकार की फ्रीडम आपको आईआईटी की तरफ से देती है, कोर प्लेसमेंट, नॉन कोर प्लेसमेंट, कैंपस, ऑफ कैंपस, हर प्रकार की फ्रीडम आपको वहां पे मिलती है। आप अदर कोर्सेज में लाइक आप मैनेजमेंट में, कंप्यूटर साइंस में, अदर कोर्सेज में माइनर डिग्रीज परस्यू कर सकते हो वहां से। और सर मेरा पर्सनली ये मानना है कि डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देने की बजाय कॉलेज को ज्यादा हाई प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि आज से 4 साल बाद कोई भी आपका डिपार्टमेंट नहीं पूछने वाला, बट कॉलेज जरूर पूछने वाला है। सो नरेंद्र, एस्पिरेंट्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? एक्सपीरियंस के लिए सर मतलब बताने के लिए तो वैसे बहुत कुछ होता है ना, बट स्पेशली लाइक वही एक आधी चीज तो नॉर्मली जो हर एक इंसान बताता है कि यार हार्ड वर्क करो, मेहनत करोगे तभी कुछ ना कुछ मिलेगा। बाकी सर एक अनदर टिप्स जो मैं मेरी तरफ से ऐड करना चाहूंगा वो यही कि एक मेंटर अपनी लाइफ में होना चाहिए। बिल्कुल यार, सर अगर मेंटर की अगर अपन बात करें तो सचिन तेंदुलकर है, तो सचिन तेंदुलकर ने अपना कैरियर नहीं क्या बॉलिंग से स्टार्ट किया था,
बट उनके कोच थे रमाकांत आचरेकर। तो सर उन्होंने उनको एक बार बैटिंग करते हुए देख लिया, उस दिन के बाद में उन्होंने उनसे कभी बॉलिंग नहीं करवाई, उनको हमेशा बैटिंग ही करवाई, और वो बैटिंग के आज क्रिकेट के भगवान बन गए हैं। तो एक मेंटर वो काम करता है, तो आपकी हिडन एबिलिटीज देख पाए। तो लाइक सर वो मेंटर बनते कैसे, कोचिंग में अपने बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनसे अपने को प्रॉपर गाइडेंस लेते रहना है ना, या आपके घर में कोई और किसी के पास नहीं, तो खुद एटलीस्ट अपना मेंटर बनो, खुद अपनी स्ट्रॉन्ग फील्ड्स पहचानो, जो कि आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आईआईटी की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट सर लाइक मैं लाइक दो लाइनें एक्सपीरियंस के लिए बताना चाहूंगा, कि जो कि लाइक हर बोलते हैं कि लाइक एक लाइन जो बोली जाती है ना, कि भगवान तेरी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं जाने देगा, तो बस आप मेहनत करते रहिए, बाकी भगवान तो है ही। बिल्कुल यार, कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करें। नरेंद्र काफी अच्छा लगा यार आपसे बात कर, काफी कुछ जानने को मिला हमें आईडिया दिल्ली के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच टू यू सर। एंड वन मोर थिंग सर, जो मैं अभी बताना चाहूंगा, कि जो भी ऑडियंस अभी इसको देख रही है ना, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू स्पॉन्सर्स। लाइक बहुत अमेजिंग वीडियो स्कॉलर्स के साथ आती है, बहुत सारे आईआईटीज के साथ, आईआईएम के लोगों के साथ इन्होंने वीडियो बनाई है ना, सो लाइक दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, सो प्लीज सब्सक्राइब टू स्पॉन्सर्स। थैंक यू सो मच नरेंद्र। और नरेंद्र मैं भी आपको बता दूं कि जैसा आपने बताया कि मेंटर्स एक जरूरी है, तो हम फ्री मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी हमारी वेबसाइट पर। रिसेंटली हमने ग्रेट सर, ग्रेट वेबसाइट भी हमने लॉन्च की, वहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक मेंटर प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो यदि कोई ऑडियंस जिसको मेंटरशिप की जरूरत हो, तो प्लीज हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, और आपको ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच नरेंद्र, बाय बाय सर।